तो हेलो दोस्तों, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर इस प्रकार के दीवारों में लगे हुए पंखे तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि ये पंखे क्यों लगे होते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि ये पंखे हैं दोस्तों कमरे के अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए लगे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने मूर्ख लोग होते हैं कि जहां मेरा एक पंखा डुग 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 करता हुआ चलता है जो हवा नहीं देता है, इन लोगों के पास कितनी हवा है जो बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, नहीं पता है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इन पंखों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं कि लोग इस प्रकार के पंखे अपने मकानों में क्यों लगाते हैं और अंदर की हवा बाहर क्यों निकालते हैं। चलिए दोस्तों विस्तार से बताते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो इसे दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। तो चलिएगा दोस्तों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं कि ये लोग अपने मकानों में इस प्रकार के पंखे क्यों लगाते हैं, किस कारण से लगाते हैं। दोस्तों इसका एक सीधा सा रीज़न है और वो रीज़न क्या है दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के मुकाबले कम वजनी होती है। हाँ दोस्तों, जो ठंडी हवा होती है उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है और जो गर्म हवा होती है उसका वजन थोड़ा कम होता है। इसलिए जो अपना कमरा होता है उसमें जो ठंडी हवा होती है दोस्तों वो नीचे रहती है और जो गर्म हवा होती है वो अपने कमरे के ऊपर रहती है। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग कोई गुब्बारे बलून में गर्म हवा भरते हो तो दोस्तों वो गुब्बारा आकाश की ओर उड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, वो नीचे नहीं आएगा जब तक उसमें गर्म हवा रहेगी। यही कारण है दोस्तों कि जो गर्म हवा होती है वो कमरे के ऊपर रहती है, ठंडी हवा कमरे के नीचे रहती है। इसलिए दोस्तों दीवारों में ऊपर वो जो पंखा लगाया जाता है, अभी हमने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार का लगाया जाता है, वो पंखा लगाया जाता है दोस्तों इसीलिए कि जो वो गर्म हवा है दोस्तों बाहर जा सके। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीलिंग फैन होता है यदि ज़्यादा ऊपर लगा होता है दोस्तों तो उसके दो रीज़न हो जाते हैं, एक तो वो कम हवा देने लगता है और दूसरी बात ज़्यादा गर्म हवा देने लगता है दोस्तों। यानी कि वो पंखा दोस्तों यदि आपके कमरे में भी लगा दिया जाए दोस्तों तो जो उसकी गर्म हवा होती है दोस्तों, गर्म हवा कमरे से बाहर निकाल देता है और कमरे के अंदर फिर होता है आनंद, आता है मज़ा, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर बचती है सिर्फ़ और सिर्फ ठंडी हवा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये पंखे क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में कहते हैं दोस्तों शेयर और चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।